चंद्रिका को टीवी शो बिग बॉस बेहद पसंद है। एपिसोड देखना और अपने दोस्तों के साथ उन पर चर्चा करना जैसे उसकी आदत में शुमार हो चला है। उसे जैसे उस शो की लत लग गई हो, वो घर में अपने माँ बाप के साथ बिग बॉस की आवाज की नकल करते हुए बात करती है। वो बिस्तर से उठती है और अपनी माँ से बिग बॉस के अंदाज में कहती है, माँ तुम जाओ और मेरे लिए कॉफी ले आओ। इस घर में इस लड़की को बिग बॉस जैसे ही बोलना होता है, कब आएगी इस पागलपन से बाहर। ये वो अंदर जाती है और चंद्रिका के लिए कॉफी लाती है। चंद्रिका कॉफी की चुस्की लेकर, माँ कॉफी अच्छी है। ये जो तुम बोलते हुए हर शब्द के बाद रुकती हो, मुझे बेचैनी सी होने लगती है। टीवी पर दिखाया जाता है तो अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में बहुत अजीब है। ऐसे मत बोला करो। ठीक है, तुम जा सकती हो। हे भगवान, मेरी फूटी किस्मत। उसकी माँ अपना सिर धुनकर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन चंद्रिका के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता। उसका बिग बॉस का अंदाज जारी रहता है। एक दिन उसके पिता चंद्रिका के लिए एक रिश्ता पसंद करते हैं। लड़के का नाम शंकर होता है, जो एक सॉफ्टवेयर कर्मचारी है। वह अच्छा है और हैंडसम दिखता है। शंकर को देखते हुए चंद्रिका कहती है, लड़का हैंडसम है। वो बिग बॉस जैसे रुक रुक कर भारी आवाज में बोलती है, जिसे सुनकर शंकर चौंक जाता है और पूछता है, ऐसे क्यों बोल रही है, इन्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिग बॉस की दीवानी जो है, वो बिग बॉस की आवाज रिकॉर्ड करती है और फिर उनकी प्रैक्टिस करती रहती है। वो बिग बॉस प्रोग्राम में भाग भी लेना चाहती है, इसलिए वो एक भी एपिसोड नहीं छोड़ती। अच्छा खेलने के लिए वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रही है आजकल। तुम क्या जानो बेटा। शंकर जोर से हंस पड़ा। चंद्रिका, ये एक बड़ी भूल है। अगर तुम्हें बिग बॉस शो में भाग लेना है तो तुमको किसी फील्ड में मशहूर होना होगा। बिग बॉस शो में भाग लेने वाले किसी न किसी फील्ड में मशहूर हैं। आम आदमी के लिए इसमें भाग लेना बहुत मुश्किल है। हाँ। ये सुनकर चंद्रिका रुआसी हो गई। ओह, अब तक की सारी मेहनत बेकार गई क्या। मैं नहीं मिल पाऊंगी बिग बॉस से कभी। हाँ चंद्रिका मायूस नहीं हो, तुम एक ना एक दिन मशहूर भी हो जाओगी। बस कोशिश करना मत रोकना, ठीक है। शंकर ने उसे प्रोत्साहित किया, जिसे देख चंद्रिका के माता पिता सोचने लगे, शंकर एक अच्छा लड़का लगता है, बिना किसी कमिटमेंट के। वो उसे प्रोत्साहित कर रहा है, कितना अच्छा हो अगर वो इस घर का दामाद बन जाए। फिर वे शंकर से पूछते हैं, शंकर तो बताओ क्या रिश्ता पसंद है। अगर चंद्रिका को ये पसंद है अंकल तो मुझे भी है, लेकिन उसके कुछ सपने हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहती है। हम इसके बारे में बाद में सोच सकते हैं, सबसे पहले उसकी राय जान लें आप तो ठीक रहेगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं बिग बॉस में भाग लेना चाहती हूँ, मैं मशहूर होना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। लेकिन शंकर, जब भी करूंगी मैं तुमसे ही करूंगी पक्का। मुझे लगता है कि तुम बिग बॉस शो में भाग लेने के लिए मेरा साथ दोगे। शंकर ने स्वीकार किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों एक साथ एक शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू करते हैं। दोनों का बहुत नाम हुआ, खास तौर से चंद्रिका के काम को खूब सराहा गया। चंद्रिका की खूबसूरती और एक्टिंग के लिए लोग उसके फैन हो गए। लेकिन मशहूर होने के बाद भी चंद्रिका को बिग बॉस का कोई फोन नहीं आया। चंद्रिका रोती है, शंकर बिग बॉस का अगला सीजन शुरू होने के लिए तैयार है, अभी तक मेरे पास उनका कोई भी फोन नहीं आया, मैं बहुत मायूस हो गई हूँ। मुझे भी दुख है, लेकिन चिंता मत करो, हम कुछ घटनाओं को जोड़ते हुए एक और शॉर्ट फिल्म बनाते हैं जो वास्तव में तुम्हारे जीवन में घट रही है, और कुछ काल्पनिक भी जोड़ देंगे अपनी तरफ से। शॉर्ट फिल्म का नाम मैरिज विद बिग बॉस होगा। इस फिल्म में हम बिग बॉस शो में भाग लेने में तुम्हारी चाहत दिखाएंगे, और ये भी कि तुम्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम दोनों और तुम्हारे मम्मी पापा अपने असल किरदारों में ही रहेंगे। बोलो तैयार हो इसके लिए। चंद्रिका मान जाती है और फिर वे फिल्म शुरू करते हैं। चंद्रिका अभिनय शुरू करती है।
पे शूटिंग शुरू करते हैं, जिस तरह से वो अपनी माँ से बिग बॉस के स्टाइल में बात करती है और अपनी माँ को कुछ काम करने के लिए कहती है वगैरह वगैरह, उन्हें लगता है कि आखिरी दृश्य कुछ अलग होना चाहिए। क्लाइमेक्स में वे चंद्रिका को बिग बॉस से शादी कराने का फैसला करते हैं। माँ, जो भी रिश्ता आप ला रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। मुझे बिग बॉस की आवाज बहुत पसंद है, तुम मेरी शादी बिग बॉस से ही करवा दो। प्लीज प्लीज माँ, मैं उसी से शादी करूंगी, वरना नहीं। बिग बॉस के साथ शादी? पागल हो गई है क्या? अब तक तू जो कुछ भी कहती रही हम बिना कुछ बोले सुनते रहे, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। हमने रिश्ता देखा है, लड़के का नाम शंकर है, तुमको उससे ही करनी। चंद्रिका नहीं मानती, उसके माता पिता उसे शादी के लिए मजबूर करते हैं। शादी के दिन शाम के ठीक 10 बजे टीवी पर बिग बॉस शो शुरू होता है। चंद्रिका अचानक टीवी की तरफ दौड़ती है और टीवी को ये कहकर माला पहना देती है कि मैं बिग बॉस से शादी कर रही हूँ। फिर कहती है, बिग बॉस के साथ मेरी शादी हो चुकी, अब मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। उस डायलॉग से शॉर्ट फिल्म पूरी हो जाती है। उनकी वो शॉर्ट फिल्म जो भी देखता है सबके अभिनय की तारीफ करता है। वे सोशल मीडिया में अपनी शॉर्ट फिल्म पब्लिश करते हैं। शॉर्ट फिल्म बहुत प्रसिद्ध हुई। कुछ दिनों के बाद चंद्रिका के पास एक कॉल आया, मैडम आप बिग बॉस शो के लिए चुन ली गई हैं। चंद्रिका खुशी से खिल उठी और शंकर और अपने माँ बाप को बताया। वे भी खुश महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें उनकी मेहनत का फल मिल गया। चंद्रिका ने शंकर को धन्यवाद दिया, जो इस परिणाम का मूल कारण था। चंद्रिका का सपना सच हो गया था और बिग बॉस शो में वो विजेता घोषित होती है। फिर वो शंकर से शादी कर लेती है और उसके साथ खुशी से रहती है। उसके माता पिता की चिंता दूर हो जाती है। चंद्रिका और उसकी सौतेली माँ पार्वती हैदराबाद के पास के एक गांव में रहती हैं। वे खिलौने बनाती हैं और उन्हें गांव और उसके आसपास बेच दिया करती हैं। खिलौनों की बिक्री से होने वाली कमाई से वे अपनी गुजर बसर करती हैं। एक दिन, माँ अगर हम इन खिलौनों को सिर्फ अपने गांव और आसपास बेचेंगे तो हमें ज्यादा कमाई नहीं होने वाली। हम हैदराबाद जाते हैं और वहाँ सड़क किनारे रख कर बेचेंगे। उसकी माँ इस बात के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन वे दोपहर के लिए खाना बांधकर एक रेलगाड़ी में हैदराबाद के लिए निकल गईं और गली गली जाकर खिलौने बेचने लगी। दोपहर तक दोनों को बहुत भूख लग गई और वो दोनों खाना खाने के लिए एक जगह ढूंढने लगी। एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने अपनी पोटली खोली। खाने का डिब्बा खोलने पर उन्हें पता चला कि उसमें सिर्फ चावल है। ये देखकर पार्वती बोली, अरे ये क्या चंद्रिका, तुम सब्जी रखना भूल गई क्या? हाँ माँ, मैंने सब्जी बांधी तो थी लेकिन लगता है कि वहीं छोड़ आई। चलो देखते हैं आसपास, शायद कोई होटल दिख जाए। उन्होंने होटल खूब तलाश करा इधर उधर, लेकिन उन्हें कोई होटल नहीं मिला। फिर उन्होंने वहां खड़ी एक महिला से पूछा कि आसपास कोई होटल है क्या? तो वो बोली, यहाँ कोई होटल नहीं है, लेकिन जैत्रा फूड सेंटर पर तुमको बहुत स्वादिष्ट अचार मिल जाएगा। वो उधर उस कोने पर है, वहाँ नॉनवेज अचार भी मिलता है। जाओ ले लो, वहीं से ले लो, ठीक है? उस महिला के कहने पर चंद्रिका जैत्रा फूड सेंटर गई। वहाँ उसे तरह तरह के नॉनवेज अचार मिले। चंद्रिका ने अचार खरीद लिया और अपनी माँ के पास वापस चली आई। वे अचार के साथ चावल खाना शुरू कर देती हैं। वाह, इतना चटपटा अचार है, इससे पहले ऐसा मस्त अचार कभी चखने को भी नहीं मिला। मुँह का स्वाद ही बदल गया। तुम और क्यों नहीं ले आई? हाँ घर पर भी खा लेते ना हम लोग, अब इसी में से बचाना होगा। सच में माँ, ये तो बहुत मजे का है, मैंने और ले लूं ऐसा सोचा था, लेकिन पूछताछ करने पर पता चला कि वे ऑनलाइन ऑर्डर करने पर घर तक पहुंचा देते हैं। तो जब भी हमको चाहिए होगा, मन करेगा तो ऑर्डर कर लेंगे। वे अपना दोपहर का खाना अचार के साथ बहुत संतुष्टि से खाकर खत्म करती हैं।
वे शाम तक खिलौनों की बिक्री करती रहती हैं और फिर अपने घर लौट जाती हैं। बार बार वे अचार की बात करती हैं और रात के खाने में भी अचार रखती हैं। खाना खाकर दोनों सो गईं। इस तरह वो दिन बीत गया। अगली सुबह चंद्रिका बोली, मामा आज भी हम हैदराबाद ही जाएंगे, कल बिक्री अच्छी हुई थी है ना? ठीक है माँ। पार्वती चंद्रिका की बात पर हाँ कहती है और दोनों अपना लंच पैक करके हैदराबाद के लिए निकल जाती हैं। वहाँ पर आइए मेम साहब, आइए साहब, हमारे पास आपके लिए कम कीमत पर तरह तरह के खिलौने, बहुत सुंदर खिलौने हैं। आइए बच्चों के लिए ले जाइए साहब, मेम साहब। बहुत से लोग उनसे खिलौने खरीदते हैं और वे अच्छा पैसा कमाती हैं। वे शाम को अपने घर पहुंचती हैं और कमाए हुए पैसों को गिनने लगती हैं। अरे वाह, कल और आज हमने खूब कमाई की है माँ, लगता है कि अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है ना माँ, तुमको नहीं लगता? माँ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बेटी, अगर हमारे खिलौने इसी तरह बिकते रहे तो भगवान की कृपा से हमें अपनी गरीबी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है, फिर मैं तुम्हारी शादी भी करूँगी। उनके धंधे ने अच्छी गति पकड़ ली थी और इस तरह पूरा एक साल बीत गया। उन्होंने अपने लिए एक घर भी बना लिया। वे दोनों अपने किए हुए निरंतर प्रयासों और अपनी सफलता को देखकर बहुत खुश थी। वे नए घर के उद्घाटन के लिए संबंधियों को आमंत्रित करती हैं और उस दिन सभी मेहमानों के लिए दावत का इंतजाम भी करती हैं। एक मेहमान, ए चंद्रिका, दावत में सिर्फ अचार खिलाएगी क्या, कुछ चिकन विकन नहीं? चंद्रिका को समझ नहीं आता कि क्या कहे। तभी पार्वती वहाँ आती है और बोलती है, अरे चंद्रिका सोच क्या रही है, जैत्रा फूड सेंटर से ऑर्डर पर नॉनवेज अचार करी मंगाई थी ना, वो लाकर परोसना सबको, जा। चंद्रिका चिकन का अचार परोसती है और मेहमान भोजन का आनंद लेते हैं। अरे कहाँ से लाई है अचार, रुकता ही नहीं बन रहा। जैत्रा फूड सेंटर से, जिन्होंने हैदराबाद में अपनी दुकान खोली है, वहाँ तरह तरह के नॉनवेज अचार मिलते हैं, देखा ना कितने स्वादिष्ट हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं आप लोग। ऐसा क्या? ऐसा अचार तो मेरी सास भी नहीं बना पाती, हम भी करेंगे ऑनलाइन ऑर्डर और मंगवा लेंगे, फिर खूब खाएंगे। वे भोजन करके तृप्त आत्मा से प्रसन्न होकर चले जाते हैं। चंद्रिका और उसकी माँ पार्वती संतुष्ट महसूस करती हैं कि समारोह अच्छा रहा। दिन खुशी से बीत जाता है। अगले दिन से वे अपने खिलौने बेचने और कुछ और पैसे कमाने के लिए नियमित रूप से हैदराबाद जाने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर